आप एक महीने में कितनी बार आईब्रोज बनाने जाती हैं? एक महीने में नहीं, मैं तो 2 या 3 महीने में जाती हूँ। मैं दोस्तों एक महीने में कम से कम 2 या 3 बार आईब्रो बनाने जाती हूँ, क्योंकि जो मेरी आईब्रो की ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा है। और आप मेरी आईब्रो को देख सकते हैं कितनी ब्लैक है और जो उसकी थिकनेस है वो कितनी ज्यादा है। आज की जो स्पेशल रेमेडी मैं लेके आई हूँ दोस्तों, वो है स्पेशल आईब्रोज के लिए। जिस तरीके से मेरी आईब्रो काली घनी मोटी है, जिनके आईब्रो की ग्रोथ बहुत कम होती है, ये बहुत ही लाइट होती है, वो ज्यादातर आईब्रोज ही नहीं बनाते हैं, मतलब सिर्फ ओकेजन में ही आईब्रो बनाते हैं। बट अगर मैं आईब्रोज ना बनाऊं, मतलब अभी भी आप देख सकते होंगे, पास से देखेंगे कि मेरी अभी भी आईब्रोज की ग्रोथ आ चुकी है, मैंने इसे अभी नहीं बनाया है, मैं इसे घर पे ही प्लग की हेल्प से बना देती हूँ। बट मुझे ये बार बार बनानी इसलिए पड़ती है पार्लर में जाके, क्योंकि ये काफी ज्यादा थिक एंड ब्लैक है, तो वो अगर हल्का सा भी बाल इधर उधर निकल जाता है तो वो आईब्रो की शेप पूरी खराब हो जाती है, तो इसलिए मुझे ज्यादातर बार बार पार्लर जाना पड़ता है। बट जिन लोगों की आईब्रो की ग्रोथ नहीं होती या बहुत ही लाइट होती है, तो वो सिर्फ ओकेजनल ही आईब्रो बनाते हैं। तो आज की जो रेमेडी है वो स्पेशल आईब्रोज के ऊपर है दोस्तों, जिससे आप अपनी आईब्रो को मोटा घना और काला बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रेमेडी है दोस्तों। इस रेमेडी को आपको यूज किस तरीके से करना है, लगाना किस तरीके से है और कितने टाइम बाद ये आपकी आईब्रोज को रिजल्ट देगी, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो इसमें सबसे पहले आप एक कंटेनर ले लीजिए, ये कंटेनर की जगह में आप जो भी खाली मस्कारा होता है, मस्कारे की बॉटल होती है, इस तरीके का भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो ज़्यादातर ये नहीं होता है ऑप्शन या उसमें मस्कारा रखा होता है, तो ये आप सीधा एक कंटेनर ले लीजिए, कोई सभी खाली कंटेनर ले लीजिए, और छोटा कंटेनर लीजिएगा, बड़ा मत लीजिएगा। तो उसमें सबसे पहले हमें लेना है दोस्तों कैस्ट्रो ऑयल। कैस्ट्रो ऑयल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, फैटी एसिड्स इसमें होते हैं, प्रोटीन से भरपूर होता है, जो हमारी आईब्रोज को काला करने में, मोटा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, साथ ही साथ इसे शाइनी बनाने में भी हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पर ले लेंगे कैस्ट्रो ऑयल। तो मैंने जैसे कहा है कि इसे हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा ही इसे हम बनाएंगे, तो आधा चम्मच के करीबन मैं लूंगी कैस्ट्रो ऑयल। आधे चम्मच कैस्ट्रो ऑयल में आपको ऐड करनी है 2 विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई हमारे बालों के लिए, हमारी आईब्रोज के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारे बालों को, हमारी आईब्रोज को थिकनेस देगा, मोटा बनाएगा, शाइनी बनाएगा, और उसकी जिस प्रॉब्लम की वजह से हमारी आईब्रोज बहुत कम है उसको दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो 2 मैं यहाँ पर विटामिन ई की कैप्सूल लूँगी, तो दोनों हम इसी कंटेनर के अंदर ऐड कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ हमें 2 ही इंग्रेडिएंट्स लेने हैं दोस्तों, दोनों बहुत कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं आपके आईब्रोज को घना बनाने के लिए। तो ये हमारा ऑयल बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। अब आपको इसको लगाना कैसे है, इसको स्टोर करके कम से कम आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। अब इसे हम लगाएंगे किस तरीके से, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस जो ऑयल है इसको लेना है अपने रिंग फिंगर पे, इस तरीके से आप ले लेंगे और अपनी आईब्रो पे लगाएंगे, और इससे आपको 5 मिनट मसाज करनी है आईब्रो पे। अच्छे से आप मसाज करेंगे कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो, जो आपने मतलब ये ऑयल यूज करा है वो अच्छे से आपके आईब्रोज पे काम करे। तो हम अच्छे से मसाज करेंगे तभी ये वर्क करेगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम इसी तरीके से सिंपल लगा लेते हैं तो इतने अच्छे से काम नहीं करता, तो आपको अच्छे से मसाज करनी है। अच्छे से आप 5 मिनट सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे अपने आईब्रोज पे। ये आपके आईब्रोज के जहाँ पे हेयर है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन करेगा, आईब्रोज की ग्रोथ को बढ़ाएगा, उसकी थिकनेस को बढ़ाएगा, आईब्रोज को काला करने में हेल्प करेगा। तो आप अच्छे से इस तरीके से मसाज करने के बाद, ऐसा नहीं है कि आप इसे लगाने के बाद वॉश करें कुछ करें, बस आपको इसको रात के टाइम करना है, और इस तरीके के ब्रश होते हैं जो जिससे हम मस्कारा वगैरह लगाते हैं उस तरीके से, इसके बाद आपको इसको अच्छे से काम कर लेना है इस तरीके से। देखिए तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई भी ऑयल वगैरह आपने अपनी आईब्रोज पे लगाया है। अब जो बचा हुआ ऑयल है इसको आप किसी भी कॉटन पैड की हेल्प से क्लीन कर लीजिए। तो ये देखिए से आप इसे क्लीन कर लीजिए, सिर्फ बाहर का जो पोर्शन है आईब्रो में आप इसे लगा रहने देंगे। इस तरीके से पता भी नहीं चल रहा आपने कोई ऑयल वगैरह लगाया है। आप मुझसे मॉर्निंग में ऑफिस जाती हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मॉर्निंग में जब ऑफिस जानी है
तब इस ऑयल की 5 मिनट मसाज कर लीजिए, या गाड़ी में बैठे बैठे हल्का सा ऑयल लगा के इसे रब करती रहिए और उसके बाद इस तरीके से कॉम कर लीजिए और पता भी नहीं चलेगा आपने कोई ऑयल वगैरह लगाया है अपनी आईब्रोज पे। रात के टाइम में इसे लगा के रखिए आप, तो आप 14 से 15 दिन में ही इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ना, आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि आपको इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो इसको आपको डेली करना है, कंटिन्यूअसली आपको करना है, ऐसा नहीं आपने आज करा फिर आप अगले दिन बोलोगे इसके रिजल्ट नहीं मिले। वही किसी भी काम को करने के लिए उसको कंटिन्यूअसली आप जब करेंगे तभी उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, खासकर जो नेचुरल चीजें होती है। इस तरीके से लगाने के बाद आपको कोई भी फेस वॉश या इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है, इसे आप ऐसे ही छोड़ दें, ये अपने आप धीरे धीरे आपकी स्किन में ये ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज की ये रेमेडी आपको मेरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।